इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की 28 सदस्यीय एक वर्षीय कार्यकारिणी का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को संपन्न हुआ। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चला। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी सीसीटीवी कैमरे के जरिए की जा रही थी। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। कुल 8,246 वोट पड़े। वोटों की गिनती 5 अप्रैल से शुरू होगी। मतदान को लेकर अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। ज्यादातर बूथों पर वोटरों की लंबी लाइन लगी हुई थी। बीच में मतदान की गति धीमी चली। ज्यादातर पदों पर इस बार बहुकोणीय और नजदीकी मुकाबला हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी वीएम जैदी के नेतृत्व में चुनाव समिति मंच से मतदान स्थल की निगरानी लगातार की जा रही थी। मतदान कार्य में बार एसोसिएशन कर्मचारियों एवं सैकड़ों अधिवक्ताओं की मदद ली गई। कोर्ट परिसर में लगभग सन्नाटा पसरा रहा। अदालतों में न्यायिक कार्य भी सुचारू रूप से चला। अदालतों में नो एडवर्स आदेश का पालन भी किया गया। प्रत्याशी व समर्थक अधिवक्ता मतदेय स्थल के बाहर अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करते रहे। अधिवक्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। मतदाता पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव होता है, जो वर्ष में एक बार होता है। हमारे यहाँ टोटल इनरोल्ड मेंबर्स 24,000 हैं। 24,000 में से हमारे जो 3 मैंडेटरी प्रोविजन हैं कि पहले वो डिक्लेरेशन जमा करेंगे, वोटर होने के लिए 5 उनके पास केसेस होने चाहिए हर महीने का, और हमारे पास रेगुलर सब्सक्रिप्शन जमा करते हैं, मेंबरशिप भी जमा करते हैं, उन्हीं को हम वोटर बनाते हैं। और इन कंडीशन पे मात्र 10,000 लगभग वोटर्स हमारी लिस्ट बनी हुई है। 24,000 वोटर्स में से अब मेंबर्स में से सिर्फ 10,000 वोटर्स हमको सेलेक्ट किए गए हैं, और उसके लिए उनके बीच हम चुनाव करा रहे हैं। चुनाव की प्रक्रिया को हमारे यहाँ जो महिला वोटर्स हैं और प्लस जो डिग्नेचर सीनियर्स हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो नॉमिनेटेड हैं, उनको हमने एक रो से परमिट किया है, और 30 साल से ऊपर के जो मेंबर्स हैं, रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको हमने दो नंबर की रोड दिया है। इसके अलावा हर मेंबर्स हर रो में 650 की एक रो बना रखी है। उनके सबके कंप्यूटर सीरियल नंबर से हमारे जो बैलेट पेपर नंबर दिए गए उसके हिसाब से सबको अरेंज किया गया है। सुरक्षा के लेकर के हमने दो तरह की व्यवस्था की है, सीआरपीएफ की व्यवस्था है, सिविल पुलिस की व्यवस्था है। पूरा हमारे यहाँ सीआरपीएफ भीतर राउंड पे है, और पुलिस के सारे प्रशासन के सारे जितने अधिकारी हैं सब राउंड पे लगे हुए हैं। बाहर भी हमारी पुलिस की व्यवस्था है, उनकी हमने इसलिए बाहर एक कैंप लगवा रखा है। उसके बाद गेट के बाहर भी हमारी सुरक्षा लगी हुई है, और सिर्फ वही वकीलों को हम परमिट कर रहे हैं जिनके पास हाईकोर्ट बार का आईडेंटिटी कार्ड है और प्रॉपर ड्रेस में है। उनकी एंट्री सिर्फ गेट नंबर 3, 3A, 3B, 4A, 4B से ही है। दूसरी बात, सारे हम अपने चुनाव प्रक्रिया को ऑब्जर्व करने के लिए हमारा सीसीटीवी कैमरा हर सेंटर लेन में लगी हुई है। इसके अलावा जितना भी कार्य हम लोग कर रहे हैं बैलेट पेपर्स का डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हमारी प्राइवेट एजेंसी करा रही है। वकीलों की एक पूरी टीम हमारी 150 लगभग है जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, पूरे उनके सुपरविजन में, उनकी देखरेख में पूरा चुनाव हो रहा है। हम अपने स्तर से जितना अथक प्रयास, काउंटिंग अभी हम हो सकता है कि कल हम एक दिन रेस्ट देते हैं, कल के बाद हम एक दिन रेस्ट देने के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे। बस परिचय बता दीजिए। ये मिस्टर चीफ रिटर्निंग ऑफिसर मिस्टर, मैं वशिष्ठ तिवारी रिटर्निंग ऑफिसर, ये मिस्टर आर.एस. जैदी साहब हैं, बी.एम. जैदी साहब हैं, चीफ रिटर्निंग ऑफिसर हैं, ये मिस्टर चंदन शर्मा हैं, चंदन शर्मा इलेक्शन ऑफिसर। अरेंजमेंट हमारे यहाँ जितना एक इलेक्शन करने का होता है वो पूरे अरेंजमेंट हमने किए हैं, सारा इंतजाम है हमारे पास। और जो कैंडिडेट है वो भी जो है पांच हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं, और वो भी हमें सबको जो है कोऑपरेट कर रहे हैं। जितने हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं वो उनका फुल कोऑपरेशन है। सुबह से इलेक्शन पीसफुली चल रहा है। हमारी टीम में 5 लोग जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर और हैं, उन्होंने सुबह से शाम तक हम लोग जो है ठीक पीसफुली इलेक्शन कराने की कोशिश है पूरी, और वो हो रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं किसी तरह। सब चीज का पुख्ता इंतजाम है, हर चीज जो है कंप्यूटराइज है, सब सीसीटीवी है, सारी चीजें हैं, पुलिस फोर्स का पूरा इंतजाम है, वैसे भी जो है सीआरपीएफ भी है, सारे इंतजाम है, लेकिन कोई डिस्टर्बेंस हमारे इलेक्शन में अभी तक नहीं है।